कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत 20 नवंबर को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को इंजेक्ट कर हुई थी, किंतु पूरे 15 दिन के बाद वैक्सीन ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है कि गृह मंत्री अनिल विज को शनिवार को ट्वीट कर जानकारी देनी पड़ी कि वह कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। 20 नवंबर को भारत बायोटेक की ट्रायल कोवैक्सीन लगवाने वाले देश के पहले मंत्री बन गए थे, किंतु दवाई ने ऐसा क्या असर दिखाना शुरू कर दिया कि उम्मीद थी ठीक होने की, उल्टा कोरोना पीड़ित होने की शिकायत मिल रही है अनिल विज के घर से। मंत्री ने ट्वीट में उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को कोविड टेस्ट करवाने की अपील भी की है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विज के संक्रमित होने पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, गृह मंत्री जी, आपके कोरोना संक्रमित होने का समाचार मिला, मुझे विश्वास है कि आप अपनी दृढ़ शक्ति से इस बीमारी को जल्द मात देंगे। ईश्वर से आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।